जिंक वैसे तो एक ठंडी मेटल है, चंदा और तोशीबा जो सेल होते थे उनको बनाने में ये इस्तेमाल होती है, लेकिन एसिड के सामने फिर किसकी चलती है, और एसिड भी जो HCl हो, तो HCl के साथ जब जिंक मेटल मिलता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब इसकी ज़रा वजाहत कर देता हूँ मैं। तो पिपेट फिलर को रिलीज़ करके हम एसिड जो है वो वुल्फ बॉटल में डालेंगे। जैसे ही एसिड वुल्फ बॉटल में जाएगा तो अंदर मौजूद जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे गैस जो है वो इस पाइप के थ्रू पानी में आएगी। तो जैसे ही, क्योंकि ये पानी जो है साबुन वाला पानी है, सर्फ मिला हुआ पानी है, जैसे ही गैस इसमें रिलीज़ होगी तो इसमें बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे, और उन बुलबुलों के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो कैद हो जाएगी। जैसे कि अभी हम इसको रिलीज़ करते हैं यहाँ से, तो इसका जो ये वाला वाल्व है, इसका ये इसका रिलीज़ वाल्व है, इसको प्रेस करेंगे तो एसिड जो है वो इस पिपेट में से वुल्फ बॉटल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आ नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये रिएक्शन शुरू हो चुका है, और जैसे ही रिएक्शन शुरू हुआ है गैस बनी है, और गैस ने यहाँ पे आके बुलबुले बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इन बुलबुलों के अंदर अब हाइड्रोजन गैस कैद हो चुकी है। तो माचिस की तीली हम चिमटे से पकड़ लेते हैं, तो पहला टेस्ट होता है फ्लेम टेस्ट। हाइड्रोजन गैस होती है वो बहुत तेज़ी से जलती है, इसका बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे पानी के अंदर आग लग रही है, पानी को आग लग रही है, तो पानी को आग नहीं लग रही, बल्कि उसके अंदर जो बुलबुले हैं उन बुलबुलों के अंदर हाइड्रोजन गैस कैद हुई। जैसे ही वो हम बुलबुले को शोला दिखाते हैं, ठीक है, साथ ही बुलबुला फटता है और उसमें जो मौजूद हाइड्रोजन गैस है वो तेज़ी से जलती है। तो बाकी का जो हमने एसिड निकाला हुआ है वो सारा कंज्यूम करते हैं, थोड़ा बहुत खेलते हैं इसके साथ। तो पहले टेस्ट के बाद हमारे पास जो दूसरा टेस्ट है वो बलून टेस्ट है। बलून टेस्ट मैंने तरतीब दिया है, तो इसमें ये है कि क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है वो हमारे पास हवा से हल्की होती है, तो बलून के अंदर अगर हम इसे भर लेंगे तो जो गुब्बारा है, ठीक है, क्योंकि ये हल्की होती है तो गुब्बारा जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, जाना तो चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं गुब्बारे को भर के। इसमें से या तो गैस लीक हो रही है या इसमें एसिड और जिंक जो हमने डाला हुआ है, HCl और जिंक, वो कम है। तो हाइड्रोजन गैस सबसे पहले डिस्कवर की थी बॉयल ने, ठीक है, तो उसके बाद इसको डिस्कवर किया था दोबारा से कैवेंडिश ने। दोनों केमिस्ट थे, और कैवेंडिश के मुताबिक हाइड्रोजन गैस की उसने सारी जो खसूसियात दरियाफ्त की थी, तो उसमें उसने यही कहा कि हाइड्रोजन गैस जो होती है बहुत पुंबाकर पालती है। तो आज हमने भी कुछ पुंबाकर पालते देखे हैं। तो अब ये दूसरा टेस्ट हो जाए किसी तरीके से।
छोटी फ्लास्क में हम सब कुछ मुंतकिल करके देखते हैं। पहले ऐसे ही डाल देते हैं, बाद में गुब्बारे के अंदर जिंक पीसीस डाल देंगे। इस तरह से हमने किया था, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसमें हमने इसी तरह से किया था। तो फ्लास्क के ऊपर गुब्बारा लगा के फिर हम जिंक पीसीस अंदर फेंकेंगे गुब्बारे के अंदर से। तो उम्मीद है काम बन जाएगा। शायद ज़्यादा ही हमने एसिड और जिंक मेटल ज़्यादा डाल दिए, तो क्योंकि जो ये रिएक्शन होता है इसमें बहुत ज़्यादा हरारत खारिज होती है, हीट रिलीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो जो हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बारा जो है वो चाइना का था। तो ये टेस्ट मेरे ऊपर उधार रहा, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो ये मैं आपको ज़रूर करके दिखाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी अगली वीडियो में अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से पानी बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।